देहरादून में परिवहन सचिव ने एक आदेश जारी किया था। जारी आदेश में देहरादून के परिवहन विभाग में लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया को शिफ्ट करने आदेश थे। वहीं झाझरा में कार्य करने के 1 जून तक आदेश जारी किए गए थे, लेकिन उन आदेशों पर भी रोक लगा दी गई है। परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि जो आदेश जारी किए गए थे उस पर अभी रोक लगा दी गई है। जब तक स्थिति साफ नहीं हो जाती है तब तक शिफ्ट नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि हमने अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन हमें समाचार पत्र के माध्यम से सूचना मिली कि अब इस पर रोक लगाई गई है। हाँ, ये माननीय सचिव महोदय द्वारा ये आदेश किया गया था कि 1 जून तक हमें लाइसेंस शिफ्ट करने हैं, परंतु आज के जो जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उसमें ये न्यूज़ है कि माननीय मंत्री महोदय ने कुछ निर्देश दिए हैं, तो अभी हम इसके बारे में अपना क्लैरिफिकेशन कर लेंगे और तब तक के लिए अभी हमने प्रक्रिया रोक रखी है जब तक हमारा ऊपर से क्लैरिफिकेशन नहीं हो जाता कि प्रेजेंट स्थिति क्या है। हमने अपनी प्रक्रिया पूरी तरह से तैयार कर ली थी। एक्चुअली आज ही हमने ट्रक बुक कर लिए थे कि लेके जाने के लिए सारे, परंतु अभी हमें सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से मिली है कि माननीय मंत्री महोदय ने अभी इस प्रक्रिया पर, जो कि समाचार पत्र कह रहे हैं कि अभी इसको रोक लगाई हुई है, हम भी अपना ऊपर से क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं। जैसी क्लैरिफिकेशन आ जाएगा उसके अनुसार हम कार्रवाई कर देंगे, पर हम हर स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार हैं।